खबर बहराइच से। बहराइच में शादी के दौरान दबंगों ने की फायरिंग, एक युवा को हुआ घायल। वहीं घायल युवक को दबंगों ने प्राइवेट हॉस्पिटल में करवाया भर्ती। वहीं कार्यवाही से बचने के लिए घायल युवक को छिपाते रहे दबंग। वहीं मामले को छानबीन में दिखे ननपारा पुलिस की अहम भूमिका। कुछ अधिकारियों की कार्यवाही से बचने के लिए पुलिस करवा रही है मेडिकल। वहीं हर्ष फायरिंग में युवक को लगी गोली, कोतवाली ननपारा क्षेत्र की घटना है। वहीं प्रधान पुत्र समेत तीन लोगों पर दर्ज हुआ केस। बारात में डांस के दौरान हर्ष हुआ फायरिंग, आरोपी फरार। पुलिस कर रही है मामले की जांच। देखिए पूरी रिपोर्ट प्रीतम सिंह के साथ। बहराइच। अच्छा, क्या मामला है? तुम यहाँ आए हो, क्या हुआ तुम्हारा? गोली लग गई थी, इसीलिए यहाँ दो दिन के बाद आए। क्या हुआ था? तुम घटना के यहाँ घटना शादी थी, घर से निकल रहे थे, उसके बाद उसी में बंधन लग गई। कौन लोग उनको लेके आए थे? यहाँ वही से मतलब पर वही लेके आए थे, जिसके बाद शादी थी उसके याद भी लेके आए थे। शादी किस क्या है? अजल भाई गाँव के नानबारे गाँव नानबारे क्षेत्र है, उसके प्रधान शादी थी। शादी थी, शादी थी मतलब जी माँ जी। क्या हुआ, तुम कहाँ जा रहे थे? हम जा रहे थे घर से निकले रोड से, तो उसमें हमारे लग गई। उससे आदमी हमको लेके गए सरकारी अस्पताल, वहाँ पे पुलिस आई, तो उससे पहले हमको भी रिफर कर दिया प्राइवेट में, यहाँ पे आई। उसके बाद दो दिन इधर उधर रखे, फिर भी फिर आज हमको मेरे पापा लोग मतलब पता चला, तब आज यहाँ लेके आए हैं सर। केस वेस हुआ, फिर आज यहाँ लेके आए। जब प्राइवेट हॉस्पिटल में थे वहाँ पे तो पुलिस आ गई थी, वहाँ किसी पुलिस को मतलब वहाँ पता ही नहीं चलने दिया किसी ने। कितने दिन तुम्हारे घर वालों में? मतलब दूसरे दिन पता चला तो सब दबाव में रखे थे, अवगत कराना है। दिनांक 12/13/2021 को थाना नानपारा क्षेत्र में पीर गुलाम के घर शादी में एक व्यक्ति को गोली लगी, जिसका नाम ड्राइव है, उसका इलाज जिला चिकित्सालय में चल रहा है। इस संबंध में थाना कोतवाली नानपारा में अभियोग संबंधित धाराओं में पंजीकृत कर लिया गया है, और जिस शख्स से फायर किया गया है उसको भी चिन्हित कर लिया गया है, और उसके विरुद्ध नियमों से कार्रवाई की जाएगी। साथ ही नामित अभियुक्तों को गिरफ्तारी युद्ध टीमों का गठन कर दिया गया है।